नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी न्यूज निकल कर आप लोगों के सामने आ रही है दोस्तों। 2019 में बड़ी भर्ती आ चुकी है सामने, एक परिवार एक सरकारी नौकरी के फॉर्म का लिंक दोस्तों यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं दोस्तों, एक परिवार एक सरकारी नौकरी के बारे में। दोस्तों यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है चालू हो चुका है दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन का बटन आ चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक के बटन में जाकर क्लिक, हियर के बटन में जाकर क्लिक करके दिखाता हूं कैसे फॉर्म को भरना है। यहां पर तमाम जुड़ी दोस्तों यहां पर जो अपडेट है वहां पर आ चुका है दोस्तों, यहां पर ऐसे फॉर्म को भरना है सब कुछ। यहां पर डिटेल आपको कैसे फिलअप करना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इससे पहले आपके चैनल हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारियां बता देता हूं। तो 8वीं 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं सभी लोग फॉर्म भरेंगे। आधार कार्ड आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी फॉर्म भरेगा। और अगर दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, दो मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, फॉर्म भरकर हम देखेंगे दोस्तों सभी लोग फॉर्म भरेगा। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल के में सब्सक्राइब करने के बाद आके बेल आइकन आएगा उसको दबा लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर रोजाना एक जीके कंपटीशन होता है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना होता है। और इसके साथ साथ हम लोग आपको पेटीएम कैश देते हैं 20,000 रुपए का, अगर जो लोग सही जवाब देता है जो सबसे पहले कमेंट करता है। तो भारत के नए होम मिनिस्टर कौन बने? जी हां, इसका सही जवाब क्या होगा नीचे कमेंट करके आपको सही जवाब देना, अमित शाह, मोदी जी या फिर अरुण जेटली या सुषमा स्वराज। जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे सही जवाब आप देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जल्दी से जल्दी सवाल इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 9 जून की दोस्तों यहां पर भर्ती आई है दोस्तों, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना अप्लाई ऑनलाइन का बटन आ चुका है दोस्तों। यहां पर हम तमाम जुड़ी बातों को जानेंगे दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले बता दो, टोटल पोस्ट जो है 87,000 आपकी यहां पर दोस्तों भर्ती है। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करो तो 30 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसके बारे में बात कर लेते हैं महिलाओं की सबसे पहले मिलेगी दोस्तों नौकरी। जी हां दोस्तों, यहां पर महिलाओं को सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों सरकारी योजनाओं के बारे में जो प्रधानमंत्री जो लगातार जो योजनाएं निकालते रहते हैं जो कि हर युवाओं के लिए दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, यहां पर अब एक और न्यूज निकल कर रही है कि अब किसी भी घर का सदस्य बिना सरकारी नौकरी के नहीं रह पाएगा, यानी कि एक परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, क्या कागजात लगेंगे, कौन कौन से पूरी डिटेल जानकारी है दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों क्या क्या जो आर्टिकल में आपको सब कुछ ध्यानपूर्वक समझ लेना है तब जाकर आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। यहां पर देखते हैं योजना का जो नाम है, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, फरवरी 2019 में इसकी दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुकी थी, योजना जारी है दोस्तों। बेरोजगार युवाओं को केवल और केवल इसका जो लाभ मिलेगा दोस्तों, अगर आपका पिताजी नौकरी करते पहले से तो आपको फिर भी आपको इसका लाभ ले सकते हैं है दोस्तों। एक परिवार एक जो सरकारी नौकरी की 2019 के अंतर्गत उन सभी परिवारों को दोस्तों आवेदन करेंगे, उन सभी को दोस्तों यहां पर नौकरी मिलने वाली है जो लोग फॉर्म को भरेंगे। योजना के अंतर्गत एक परिवार में एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, दूसरा परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर आपका भाई है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। योजना के लिए आवेदक 18 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, पुरुष महिला सभी लोग दोस्तों। आवेदन करने के लिए अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो उस राज्य के आप अस्थायी निवासी होना चाहिए दोस्तों, या आप दो राज्यों को सेलेक्ट करके दो राज्य से फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। वहां पर आपको दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी जो योजना है इसका लाभ क्या है दोस्तों, ये आपको आप चुनिंदा क्षेत्रों में दोस्तों आप नौकरी ले सकते हैं। उम्मीदवार जो उनका सिलेक्शन तो हर महीने सरकारी नौकरी की जो 87 हर महीने दोस्तों यहां पर मेरिट लिस्ट बनेगी और दोस्तों आप सभी को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। उम्मीदवारों को 2 साल का दोस्तों यहां पर पीरियड में रखा जाएगा दोस्तों प्रोफेशनल में कि, और उसके बाद 2 साल के बाद आपको दोस्तों कंप्लीट दोस्तों यहां पर आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा दोस्तों। उम्मीदवारों को सरकारी भट्टों के अनुसार ही लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, जो 7वां ग्रेड पे होता है उसी के अनुसार आप लोगों को लाभ मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा दोस्तों। इसके बाद हम जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो आपको चाहिए। तो आवेदनकर्ता के पास पहचान पत्र होना चाहिए, आवेदन करना के पास जो है आधार कार्ड चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों, उसके साथ ही साथ बोनाफाइड चाहिए। और दोस्तों योजना में दोस्तों विभिन्न विभागों के लिए दोस्तों यहां पर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन में को यहां पर जो पीडीएफ दिया है उसको पढ़ना होगा दोस्तों। हम यहां पर क्विक लिंक के बटन पर आ गए हैं और यहां पर आकर आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, अभी तक आप देख रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्लिक हियर के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेगा दोस्तों यहां पर आप आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, मोदी सरकार एक परिवार एक सरकार योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कम करने के लिए रोजगार देने की एक यहां पर मुहिम चलाए हैं दोस्तों, एक परिवार एक
सरकारी योजना का कैसे शुरुआत करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही नीचे मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां पर जाना है, कैंडिडेट का नाम है, आपको अपना नाम जो है पूरा फुल लेटर में आपको अपना नाम भर देना है, जो भी नाम है, पुरुष महिला सभी लोग नाम भरेंगे, फादर्स नेम में आपको अपना पिताजी का नाम भरना पूरा फुल लेटर में दोस्तों, यहाँ पर मदर्स नेम भरना है, उसके बाद आपको एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके डेट ऑफ बर्थ अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आईटीआई है, ग्रेजुएशन है, और किसी अन्य प्रकार के अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह किए हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तमाम जुड़ी ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, उसके बाद आपको स्टेट कौन सा है आपका, विलेज क्या है, उसके बाद आपको नीचे फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा और मोबाइल नंबर डालकर आपको ओटीपी सबमिट कर देना, उसके बाद आपका फॉर्म जो वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ नीचे जल्दी से जल्दी जाइए फॉर्म को भर लीजिए आज ही आवेदन के लिए। दोनों लिंक एक्टिव है, पहला लिंक नहीं काम करता, दूसरा लिंक काम करेगा, तो दोनों में से किसी एक लिंक पर जाकर फॉर्म लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।